स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार प्रयास कर रहा है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो। झारखंड सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिला समेत पूरे राज्य में मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए छोटे बड़े सभी अस्पताल को शामिल किया गया है। पहला कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, दूसरा डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया है, तीसरा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तैयार किया गया है। इन तीनों श्रेणी के अस्पतालों में सिर्फ जमशेदपुर में 1099 बेड बनाए गए हैं। सभी सेंटर में अलग अलग मरीज के इलाज किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद में कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए लैब स्थापित किए गए हैं। राज्य भर के सभी सदर अस्पताल, निजी अस्पताल, जिला स्तरीय अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र से 25,000 पीपीई किट, 10,000 जांच किट और 300 वेंटिलेटर की मांग की है। रांची के अरविंद अपारेल्स में पीपीई किट बनाया जा रहा है। लघु और मंझोले उद्योगों को सैनिटाइजर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के कोरोना हॉटस्पॉट को पूरी तरह सील कर दिया गया है। राज्य में अब तो कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 40 के करीब होने जा रही है, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई है। रांची और बोकारो कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जबकि तीसरा हॉटस्पॉट सिमडेगा बनने की राह पर चल रहा है। CCL के लाल लाडली कायाकल्प स्कॉलरशिप, मिशन इंजीनियरिंग 2022, कोचिंग IITians द्वारा, सारा खर्च CCL द्वारा। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हमने यह कायाकल्प स्कॉलरशिप 12-13 में शुरू की थी। सफलता लगभग 100% है। बच्चे अप्लाई करें, कम से कम इंजीनियर अवश्य बने और एक अच्छा इंसान बने। विस्तृत जानकारी के लिए चेक करें हमारा वेबसाइट www.cclkelalandladli.in। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।